राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहन विमला देवी का मंगलवार को निधन हो गया। विमला देवी 93 वर्ष की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र वैभव गहलोत के साथ बुधवार को जयपुर से सुबह 9 बजे जोधपुर पहुंचे। जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि विमला देवी का अंतिम संस्कार मंडोर शमशान आश्रम में सुबह 10 बजे किया गया। शहर व प्रदेश के अनेक कांग्रेसी नेता और जोधपुर उद्योग जगत से जुड़े तमाम उद्योगपति राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने विमला देवी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर शोक प्रकट किया। बहन को मां का समान दर्जा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी भी उनसे राखी बंधवाना नहीं भूलते थे। रक्षाबंधन पर अक्षर गहलोत सिर्फ बहन से राखी बंधवाने के लिए जयपुर या दिल्ली से जोधपुर आया करते थे। विमला देवी ने भी उन्हें बेटी की तरह स्नेह दिया था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जब गहलोत भागदौड़ के बीच बहन से राखी बंधवाने आए तो उन्हें थका हुआ देख विमला देवी का जी बहुत दुखी हुआ था। उन्होंने गहलोत को नसीहत दी कि खुद का भी ख्याल रखो। वे अपने पीछे 2 बेटे 1 बेटी सहित पूरा परिवार छोड़ गई हैं। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।